तो स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको भारत के जो भी विशिष्ट वन्य जीव अभयारण्य है उनके बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को नीचे जो रेड बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसके अंदर हम जो भी बताएंगे वो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर इसका एक न एक क्वेश्चन आते आता है, तो हमारे वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। जो जंगली जो गधे होते हैं वो किस वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो उसका आंसर है कच्छ का रण जंगली गधा अभयारण्य गुजरात के अंदर है, जहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा जो होता है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है, एक सींग वाला गेंडा। और हाथी जो है वो सबसे ज़्यादा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। उसके बाद जो सिंह की बात करते हैं तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो घाटी गांव अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पर पाए जाते हैं। बंगाल बाघ या बंगाल रॉयल टाइगर जिसको हम सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में ये पाए जाते हैं और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद आता है ओलिव रिडले कछुआ जो गाहिर माता कछुआ अभयारण्य है उड़ीसा में, ये एकमात्र कछुआ अभयारण्य है उड़ीसा में जहाँ पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद डॉल्फिन जो हमारे भारत का जलीय जीव है वो विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य जो है भागलपुर बिहार में स्थित है वहाँ पर पाए जाते हैं। गिद्ध जो है रामदेवर बेटा गिद्ध अभयारण्य कर्नाटक में पाए जाते हैं। उसके बाद भालू जो है दारोजी भालू अभयारण्य हम्पी कर्नाटक में पाए जाते हैं। संगई जो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है यहाँ पर पाए जाते हैं। जेडोन कोर्सर जो है श्रीलंका मलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद घड़ियाल जो है घड़ियाल ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश जिसमें ये राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य स्थित है वहाँ पर ये घड़ियाल पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को घड़ियालों की शरण स्थल भी बोलते हैं। जो सफ़ेद विशाल गिलहरी होती है वो अपने श्री विल्लू पुतूर वन्य जीव अभयारण्य विरुधी नगर और मदुरई जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ पर पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।